हाँ भाभी। हाँ सुल्तान, कहाँ हो? घर कब आ रहे हो? बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, वो मैं जरा एक छोटे से काम से बाहर निकली हूँ। रानी तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है, सोनिया घर पे अकेली है। पता नहीं क्यों बस कुछ दिल घबरा रहा है कि जैसे हॉल से उठ रहे हैं। तुम कोशिश करना जरा जल्दी घर आ जाना। अच्छा हाँ हाँ बस कोशिश करना। अच्छा सोनिया घर पे अकेली है, कुछ दिल घबरा रहा है कि जैसे हॉल से उठ रहे हैं। तुम कोशिश करना जरा जल्दी घर आ जाना। ओ भाई सोनिया दीदी, तुम्हारा फोन जो अब हाथ आया ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। हाँ सोनिया, कैसी हो? हाँ इरफान, मैं शहनाज बोल रही हूँ, सोनिया की भाभी। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। सुनो तुम जल्दी आ जाओ, तुम फौरन आ जाओ। सोनिया की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल लेकर जाना है, तुम बस फौरन आ जाओ, एक सेकंड भी जाया ना करो। और हाँ, घर पे किसी को बता के ना परेशान करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, मैं अभी आया। जल्दी आओ जल्दी। रानी, रानी, ओ रानी। जी भाभी। चलिए मेरे साथ चलो। कहाँ जा रहे हैं आप? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मगर भाभी हम जाकर। अरे चलो ना, एक छोटा सा काम है, जरूरी काम है, आ जाएंगे अभी। एक काम कर, सफूरा के उधर जा, सफूरा को ये पैसे दे। शाबाश। इस वक्त इतना अंधेरा। अंधेरा खा नहीं जाएगा तुझे, डरती क्यों है? जा जल्दी जा जा जा, जा। अरे जा पागल लड़की। अरे मैं मर गई, ये क्या बेशर्मी है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हम शरीफ लोग हैं, ये शरीफों का घर है, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा शौहर है सुल्तान और तुम उसके होते हुए ये हरकतें कर रही हो। क्या बकवास कर रही है, क्या हो गया आपको? मैं बकवास कर रही हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती है जो तुम हरकतें कर रही हो? और तुम तो मर ही जाओ तो बेहतर है। क्या हो गया? क्या हो रहा है सुल्तान? सुल्तान देखो इस घर में क्या हो रहा है, इस घर में क्या हो रहा है? हम इज्जतदार लोग हैं, हम ऐसे वैसे नहीं है। ये देखो जरा, तुम्हारी इज्जत, हमारी इज्जत, इस घर की इज्जत, खानदान की इज्जत को इसने रोल दिया है। ये मैं गई हूँ, मैं रानी के साथ बुआ के पास गई हूँ पैसे देने के लिए। वापस आई हूँ तो, हाँ वापस आई हूँ तो मेरी आंखों ने देखा है ना, मर क्यों नहीं गई देखने से पहले? तौबा, मारूंगी तो मैं तुम्हें, शर्म नहीं आ रही इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? ये देखो मुझे हौसला करने के लिए, ताकि मैं तुम्हें कुछ ना बता, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया इन दोनों ने मिलकर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे डूब मरो तुम लोग, हमारी इज्जत को पामाल कर दिया इन्होंने, जिसको संभाल संभाल के रखते रहे हम। निकलो मेरे घर से। नहीं नहीं अभी क्या, अभी निकलो मेरे घर से। सुदम मेरी बात को सुन लो, ये झूठ बोल रही है। गोविंद मेरी बात सुनो, ऐसा सुना नहीं, निकलो अभी यहां से। देखो सुल्तान, देखो हमारी भी तो बात सुनो ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तुम्हारी जरूरत किस तरह मेरे सामने आने की? अभी कि अभी तुम दोनों मेरे घर से दफा हो जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सजा तो तुम दोनों की कत्ल है, लेकिन मैं अपने गंदे हाथ नहीं करना चाहता तुम दोनों के गंदे खून से। निकलो यहां से। खुदा के कहर से डरो तुम, ये जो इल्जाम तुम लगा रहे हो ना हम दोनों पे,
ये मुझे लगाना चाहिए तुम दोनों पे, समझ आई? अंधी हूं मैं, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा था इतने दिनों से क्या गंदा खेल खेल रहे थे तुम लोग, मैं सब समझ रही थी, सब दिखाई दे रहा था मुझे। देखो ये क्या बकवास कर रही है, देखो ये क्या कह रही है, खुद कर रहे थे ये हरकतें और हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। सोनिया चलो, ये इस वक्त कुछ सोचने या समझने की सलाहियत ही नहीं रखता। चलो, मंसूबा अच्छा बनाया तुम दोनों, बहुत अच्छा मंसूबा बना, लेकिन एक बात भूल गए, वो जो सबके दिल का हाल जानता है ना, वो सब देख रहा है सुल्तान, सबकी सच्चाई से वाकिफ है, वो बख्शेगा नहीं तुम्हें, सजा जरूर मिलेगी। चलो इरफान।